हंसते 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 भाई हंसते। ओ भाई ओ भाई। तो गुड मॉर्निंग गाइस, तो बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली तुम्हारे भाई पहुंच चुके एक नए वाले ब्लॉग में। तो आज हम लोग जा रहे हैं एक्चुअली रामचंद्रगढ़ वाला जो रोड है ना, उस वाले रोड पे। और एक्चुअली राजीव बोल रहा था कि वो व्हीली सीखेगा, तो अभी वहाँ पे चलते हैं। देखते भाई व्हीली वाला जो वीडियो है ना फिर से डालूंगा यूट्यूब पे, अपना जो यूट्यूब है ना उस पर। और फिर से भाई येलो डॉलर आता है या नहीं आता तो उसको भी चेक करना पड़ेगा। तो अभी हमारे राजीव भाई को देखो भाई, क्या लग रहा है भाई, 390 भाई फुल भाई मॉडिफाइड हो चुका है अभी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एक्चुअली हमारे जो प्रियोजित भाई है ना उसके घर के साइड पे, तो जाके देखते हैं क्या होता है आज। अभी जो है ना भाई बहुत ही दिक्कत होता है एक्चुअली यूट्यूब पे, अगर उली का वीडियो डालो ना तो प्रॉब्लम होता है यूट्यूब पे। पता नहीं क्या गाइडलाइंस को चेंज कर दिया अभी यूट्यूब का। गाइस अभी हम लोग आ चुके कुछ इस वाले जगह पे, और यहाँ का जो नजारा है ना भाई, क्या होता है एक्चुअली बहुत दिन हो चुके हैं भाई उल्ली वगैरह नहीं मारा। तो राजीव बोल रहा था कि उसको उल्ली सीखना है, तो अभी भाई क्या बोलो यार, उल्ली जब भी वीडियो हम लोग अपलोड करता ना तभी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है भाई। यूट्यूब का जो गाइडलाइंस है ना उसको चेंज कर दिया, और अभी देख सकते हो भाई शायद स्कूल वगैरह छुट्टी हुआ है तो रोड पे है। तो अभी यहाँ से निकलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग फाइनली पहुंच चुके कुछ इस वाले रोड पे। तो अभी हम लोगों को जाना है थोड़ा सामने की तरफ, और इस वाले रोड पे भाई बहुत दिनों के बाद आया हूँ एक्चुअली, कुछ दिन पहले भी आया था बट यहाँ पे रुका नहीं था। ये रोड भी भाई ख़राब हो चुका है पहले से अभी, क्योंकि इस वाले रोड से ना अभी थोड़ा कार वगैरह ज़्यादा चलता है इसीलिए। और पहले तो हम लोग, मैं और सानी भाई इस वाले रोड पे भाई बहुत सारा ड्रैग रेस किया था भाई। फाइनली हम लोग पहुँच ही चुके हैं कुछ इस वाले रोड पे भाई, पुराना यादें भाई ताज़ा हो गया। इस वाले रोड पे भाई बहुत सारे ब्लॉग किया था, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा। उस टाइम पे हम लोगों के पास रोड नहीं था भाई वो, और अभी देखो भाई रोड हो चुका है हमारे यहाँ पे। और अभी यार तो आज सोचा कि इस वाले रोड पे हम लोग थोड़ा ब्लॉग शूट करेंगे, तो यहाँ पे रुकते हैं कहीं पे। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके कुछ इस वाले जगह पे, और अभी हमारे राजीव भाई जो है ना वो थोड़ा व्हीली मार के आप लोगों को दिखाएगा। तो मैं आज नहीं मारूंगा एक्चुअली, मुझे डर लगता है मुझे डर लगता है, तो हमारा भाई मारेगा। तो डर के आगे मौत है, डर के आगे मौत है। तो वैसे एक्चुअली मेरा जो बाइक है ना इसमें उली मार मार के भाई मेरा जो शॉकर है ना इसका ऑयल ही लीक हो गया था। इसका जो ऑयल है ना इस वाले साइड पे भाई लीक हो गया था, और इसीलिए भाई मारना नहीं चाहता भाई। बहुत नुकसान होता है अपना बाइक का जब, अगर उली अगर अच्छी तरह से नहीं आता ना तो बाइक का बहुत ही नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो अभी भाई बहुत दिनों के बाद एक बार उली मार के देख ही लेता हूँ। इस बार तो उठा था बट हल्का सा। इतना अच्छी तरह से नहीं उठा भाई। तो ये जो रोड है ना भाई इतना सही नहीं है। इस बार तो भाई उठ गया भाई।
भाई, ओ भाई। ओ भाई शे। तो गाइस अभी राजीव का जो बाइक है ना, इसमें से उली मार के देख तो भाई 390 भाई, इसमें तो भाई बहुत ही ज्यादा पावर है भाई। मुझे डर लगता है एक्चुअली इसमें। ये देखो 390 से उली मारना तो भाई बहुत ही आसान है, बट इसमें इतना ज्यादा पावर है ना भाई। ड्यूक 250 और 390 का जो VS4 मॉडल है ना भाई, जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है भाई, डर तो लग रहा है कैसे मारूंगा भाई दूसरे का बाइक से। भाई मैं ऐसा नहीं मारता, वह उड़ गया था। ओ भाई हंसते 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 भाई हंसते भाई भाई हम पूछी भाई तुम डरा से भाई तो डर गया भाई एक्सप्रेशन ना, भाई एक्सप्रेशन क्या था, भाई एक्सप्रेशन कैसा था बोलो। तो गाइस इसमें ना भाई इतना ज्यादा पावर है ना भाई, मेरे से भाई अभी संभाल नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली। इसमें इतना ट्राई तो नहीं किया, और इसका जो पावर है ना भाई बहुत ही ज्यादा है, तो अभी इससे नहीं मारता क्योंकि ये दूसरे का बाइक है। तो अगर मेरा होता तो ट्राई करता, अगर गिर गया ना भाई तो कुछ टूट जाएगा बाद में, भाई भाई का भी मूड मतलब खराब हो जाएगा। ठीक है ना, आप लोग समझ सकते हो। तो इससे नहीं मारूंगा, मेरा कल्लू से मारूंगा, मेरा कल्लू। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं खुआई की तरफ। ठीक है, तो अभी यहाँ से निकलते हैं भाई। आज के लिए इतने ही भाई, ज़्यादा व्हीली वगैरह आप लोग भी मत करो, मुझे भी मत बोलो करने के लिए। ठीक है भाई, इसमें बहुत ही ज़्यादा रिस्क है भाई। अभी 390 लेके गिर जाता मैं। भाई वो वाला क्लिप तो आप लोगों ने देख लिया होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ से होकर निकलते हैं भाई। अपना कल्लू से भाई व्हीली मारना भाई बेस्ट है। एक्चुअली 390 जो है ना भाई, मेरा दोस्त का बाइक है। ठीक है, अगर गिर गया मान लो किसी तरह से, मैं उतना ज़्यादा प्रो तो नहीं हूँ व्हीली मारने में। अभी तक मुझे भाई गियर शिफ्टिंग ही नहीं आता। ठीक है, सिर्फ उठा के 5 गियर से जितना हो सके जा सकता हूँ उतना ही सीखा मैंने। और अगर गिर गया मान लो, तो उसके बाद भाई फ्रेंड का जो बाइक है ना बहुत सारा जाएगा। अगर उसका डिस्प्ले अगर गया ना भाई, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एक्चुअली खुआई की तरफ, और राजीव को तो अभी तक उली नहीं आ रहा है इतना अच्छा था भाई, बट धीरे धीरे सीख जाएगा, क्योंकि एक दिन में ना कोई भी उली नहीं सीख पाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो भाई, रोड का जो हालत है ना भाई बहुत ही खराब हो चुका है इस तरफ। तो अभी हम लोग रुके थे कुछ इस वाले शॉप पे, तो अभी मैं चलाऊंगा भाई का बाइक। तो यहाँ से होके हम लोग जा रहे हैं अपना डेस्टिनेशन पे 390। वो यहाँ पे देख सकते हो भाई, किचर होके क्या हालत हो चुका है इस वाले जगह का। तो इसका पावर आप लोग समझ सकते हो भाई। तो अभी देख सकते हो डिस्प्ले जो है ना, यहाँ पे ब्लू कलर का टेम्पल लगा था ना उस दिन, तो अभी कुछ ऐसा लुक आ रहा है। 390 को इसीलिए भाई व्हीली मशीन बोलते हैं, क्योंकि भाई इसका जो पावर है ना आसानी से व्हीली उठ जाता है, बट इसको कंट्रोल करना भी भाई बहुत ही ज़रूरी है। अगर कंट्रोल नहीं होगा ना तो इतना भाई आप लोग गिर सकते हो। अगर गिर गया ना भाई बहुत सारा नुकसान हो जाएगा तुम्हारा बाइक का। तो अभी हम लोगों को जाना है लेफ्ट की तरफ।
भाई जी भाई 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 भाई, भाई। कोई रकम भाई कोई तो आई होप आप सभी को आज का जो ब्लॉग है अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। हॉर्न मिलते हैं नेटवर्क पे। तो आज के लिए इतना ही।